गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय ब्लॉग। और फाइनली सुबह के 9 बज चुके हैं। मैं अभी नहा के आई हूँ क्योंकि उठ गई थी टाइम से, लेकिन तबीयत ठीक नहीं है, तो इसलिए अभी देखिए तुरंत नहा के मैंने भी कुछ भी फेस पे नहीं लगाया, बस ऐसे ही नहा के चली आई हूँ। और बाल भी नहीं कॉम किए, देखिए हेयर भी ऐसे ही है, हेयर कॉम नहीं किया मैंने अभी। और बस दवा खानी है अभी, क्योंकि कल रात में जैसे मैंने आपको उससे बोला था कि थक गई हूँ बहुत, और रात में मुझे गाइस बहुत तेज़ फीवर, मुझे गाइस में फीवर आ गया था, तेज़ नहीं लेकिन मुझे फीवर आ गया था, क्योंकि थकान थी काफ़ी तो फीवर आ गया था। तो फिर मम्मी और अनु ने, मम्मी मेरी बहुत करती हैं और अनु तो बहुत ही ज़्यादा करती हैं, फिर मुझे हल्दी वाला दूध दिया, मैंने वो पिया, फिर दवा खाई और अभी थोड़ा सा आराम है, बट लेकिन अभी भी तबीयत मेरी ठीक नहीं है। तो अभी हस्बैंड ने मेरे बनाना शेक बना के दिया, तो मैंने ब्रश व्रश करके चाय पी के मैंने बनाना शेक पिया है। तो अनु नादा को पूजा करके ना चाय पिया, फिर बनाना शेक पिया, फिर वो टी शर्ट बनाने चली गई। मैं ऊपर आ गई नहाने और सारे कपड़े लेके आई हूँ, कल जो गंगा नहाने गए थे तो सारे कपड़े पानी से तो धो लिया था, बट लेकिन तब भी उसमें बालू रह जाती है तो उनको बाद में धोऊंगी जाके। और अभी मैं नीचे जा रही हूँ, देखिए मैंने भी कुछ भी नहीं किया गाइस, अब थोड़ा सा हल्का सा बिंदी बिंदी लगाऊंगी और कुछ नहीं, और सिंदूर लगाऊंगी, उसके बाद नीचे जा रही हूँ क्योंकि देखती हूँ मम्मी क्या करी। मम्मी आमियाँ छिल रही थी क्योंकि मुरब्बा बनना है, तो अभी काम है बहुत, दवा खानी है। हस्बैंड ने बनाना शेक दिया था मुझे बना के, वो मैंने पी लिया है और अब मैं नीचे जा रही हूँ क्योंकि काम पड़ा हुआ, तो काम भी करना है। तो तबीयत ठीक नहीं है तभी मैं शूट कर रही हूँ, और फिर इसके बाद भी देखना है कैसे क्या करना है। तो अभी फ़िलहाल मैं नीचे जा रही हूँ और सुबह में बात करती हूँ। बाय। अनु नादा को पूजा करके ना चाय पिया, फिर बनाना शेक पिया, फिर वो टी शर्ट बनाने चली गई। मैं ऊपर आ गई नहाने और सारे कपड़े लेके आई हूँ, कल जो गंगा नहाने गए थे तो सारे कपड़े पानी से तो धो लिया था, बट लेकिन तब भी उसमें बालू रह जाती है तो उनको बाद में धोऊंगी जाके। और अभी मैं नीचे जा रही हूँ, देखिए मैंने भी कुछ भी नहीं किया गाइस, अब थोड़ा सा हल्का सा बिंदी बिंदी लगाऊंगी और कुछ नहीं, और सिंदूर लगाऊंगी, उसके बाद नीचे जा रही हूँ क्योंकि देखती हूँ मम्मी क्या करी। मम्मी आमियाँ छिल रही थी क्योंकि मुरब्बा बनना है, तो अभी काम है बहुत, दवा खानी है। हस्बैंड ने बनाना शेक दिया था मुझे बना के, वो मैंने पी लिया है, और अब मैं नीचे जा रही हूँ क्योंकि काम पड़ा हुआ, तो काम भी करना है। तो तबीयत ठीक नहीं है तभी मैं शूट कर रही हूँ, और फिर इसके बाद भी देखना है कैसे क्या करना है। तो अभी फ़िलहाल मैं नीचे जा रही हूँ और सुबह में बात करती हूँ। बाय। हेलो गाइस, मैं रेडी हो चुकी हूँ, मैंने रेडी अभी कुछ भी नहीं किया, बस हल्के से लिपस्टिक और सिंदूर लगाया है और सन क्रीम लगाई है बस। तो फाइनली मैं रेडी हो चुकी हूँ और मैं अभी नीचे आ चुकी हूँ फर्स्ट परफ्यूम। तो देखिए मैंने अभी अपनी इयररिंग्स भी नहीं उतारे हैं, बाद में उतारूँ क्योंकि टाइम नहीं है उतारने का, क्योंकि मैं इतने हैवी नहीं पहनती हूँ। तो फ़िलहाल मैं अभी किचन में थी, तो किचन में मम्मी ने चढ़ाया हुआ है, दिखाती हूँ आपको, सारी चीज़ें नीचे गिर जाती हैं। मम्मी ने चढ़ाई है अम्बिया गैस पर, क्योंकि मुरब्बा, हाँ देखिए अम्बिया बॉयल हो रही, इधर दूध बॉयल हो रहा है। तो मम्मी ने बोला मुझसे कि इसको कट करके देख लेना कि कट रही कि नहीं कट रही, पकी कि नहीं पकी, तो मैं भी इसे कट करके देखूंगी गैस कि पकी है कि नहीं पकी। और मैं और भी कोई काम, मैं और भी काम कर रही थी किचन में, प्याज और लहसुन सब अलग अलग, और भी कोई काम, मैं और भी काम कर रही थी किचन में, प्याज और लहसुन सब अलग करके रख दिया, आलू रख दिया। अभी हस्बैंड मेरे वापस गए हैं शॉप पर, मैंने मिर्ची और टमाटर मंगाई क्योंकि खाना बनाना है और बनेगा कटहल, तो पसंद है मुझे, लेकिन तबीयत नहीं ठीक है तो इच्छा नहीं कर रही है, तो बनाना पड़ेगा क्योंकि गाँव से आया है, हम लोग गाँव से लेके आए थे कटहल, मैं गई नहीं थी खेत में, लेकिन मेरे यहाँ कटहल है पड़ोस में है, देखिए कटहल दो लेके आई हैं मम्मी, और एक बगल में आंटी लोग हैं उनको भी देना है, तो कटहल बनेगा, तो वो कट करके मम्मी कहीं हंसिया लेने, तो कट करके मम्मी उसको देंगी, उसके बाद हम लोग कटहल बनाएंगे, मैं बनाऊंगी कटहल। मम्मी सब तैयारी करके रख दी हैं, मम्मी मेरी बहुत अच्छी हैं, इतना ख्याल रखती हैं। कल हल्दी वाला दूध भी मम्मी ने बना के दिया, मम्मी ने बोला अनु ने बना के दिया, अनु मेरी बहुत अच्छी है, मैं क्या बोलूँ आपसे, बहुत ज़्यादा अच्छी है, तो अनु मेरी बहुत अच्छी है। और मेरी सारी नंदे जो हैं बहुत अच्छी हैं, कल हम लोग थोड़ी देर के लिए नौरतनपुर गए थे, वहाँ पे मेरी मामी सास रहती हैं, नानी रहती हैं,
और दो नंदे हैं मेरी बहू और मोना, मैं नाम उनका घर का ही मैं यही बोलती हूँ उनको। तो मैं उन लोग से मिली, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मामी सास तो मेरी बहुत ही ज़्यादा अच्छी हैं, बहुत ही ज़्यादा अच्छी हैं। और मेरी मोना और बहुआ वो तो बहुत अच्छी हैं, भाभी 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 बोला करती हैं। और मैं अपने ससुराल गई थी, गांव वाले ससुराल गई थी, वहाँ पे बुआ है, अम्मा हैं, अम्मा बुआ भी बहुत अच्छे हैं, सब लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत ख्याल रखते हैं, बहुत केयर करते हैं। तो अच्छा लगता है गाइस, अगर आप गांव जाते हो, अपनों से मिलते हो, तो उसकी बात ही अलग होती है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और कल मैं गांव में गई थी, मम्मी ने हमको अपने परिवार के लोगों से मिलाया, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो मम्मी ने मुझे अपने परिवार के लोगों से, मतलब हमारा जो परिवार है, चाचा चाची सबसे मुझे मिलवाया, मैं सबसे मिली। और मेरी वजह से चाची एक रहती हैं गांव में, उनकी लड़की का बर्थडे था, वो शाम को होना था, तो हम लोग की वजह से उन्होंने दिन में प्रोग्राम किया। तो हम बहुत अच्छा लगा कि मतलब सब लोग बहुत मानते हैं, तो ये चीज़ अच्छी लगती है गाइस। फिर इसके बाद हम लोग नौरथापुर गए, मतलब अपनी मेरी मम्मी के मायके गए थे हम लोग, तो वहाँ पे हम लोग सबसे मिले, हमें बहुत अच्छा लगा सबसे मिल के, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं सब लोग, बहुत बहुत ज़्यादा मानते हैं हम लोगों को। हम लोग वहाँ गए थे तो हम लोग को टाइम हो गया, तो हम लोग आ गए थे टाइम से यहाँ पे, घर आ गए थे, फिर उन्होंने चाय नाश्ता किया, लेकिन अभी मेरी तबीयत ठीक नहीं है, क्योंकि मेरे हस्बैंड अभी आए थे, बोले कि दवा खाया, तो मैंने दवा नहीं खाई, तो मैं अब जल्दी दवा खाऊँगी, उसके बाद मैं खाना बनाऊँगी। मम्मी गई हैं कटहल कट करने वाला लेने आंटी के यहाँ, तो वो लेके आएंगी, फिर मम्मी कट करेंगी, मैं बनाऊँगी। अनु ट्यूशन पढ़ाने गए, अनु ट्यूशन गई, ट्यूशन पढ़ा के जब वो आएगी तो फिर हम लोग बैठेंगे, बातें तो करेंगे, हस्बैंड का टाइम भी हो रहा है ऑफिस का। तो यही सब था गाइस, मुझे बहुत अच्छा लगा कल का दिन, लेकिन इतनी ज़्यादा थक गई थी कि बीमार भी पड़ गई और दवा खा रही हूँ, बुखार की दवा खाई है। तो फिलहाल आप लोग भी काम कर लो, उसके बाद हम आपसे बाद में मिलते हैं। बाय बाय।